हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पेंसिल की पेन की मदद से आप अपने बालों को इंस्टेंटली कैसे कर्ल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आप किसी भी फंक्शन पे इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जितने बालों का आपको करना है कर्ल उसको आगे कर लीजिए और फिर उस बाल में हमें जेल यूज़ करना है। मैंने पार्क एवेन्यू का जेल लगा रही हूँ। आप एलोवेरा जेल, कोई सा भी जेल यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। और अगर जेल नहीं है तो पानी भी लगा करके इंस्टेंट जो होता है कर सकते हैं, लेकिन जेल से थोड़ा सा टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से बालों जेल लगा लीजिए जहाँ जहाँ आपको बाल को कर्ल करना है। तो इस तरह से मैंने आगे के थोड़े से बाल को निकाला है। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इस तरह से किया जाता है। अगर आपके पूरे बालों पे आपको कर्ल बनाना है तो पूरे बालों में बारी बारी से इस तरह से जेल लगाते हुए करना है। फिर पेंसिल को इस तरह से आधा पार्ट लेकर के बाल का और पहले लपेट दे उसके जड़, सबसे पहले जो लास्ट सिरा होता है वहाँ तक, और उसके बाद ऊपर घुमाते हुए ऊपर तक ले जाइए जहाँ तक आपको कर्ल बनाना है। और उसके बाद रबर इस तरह से ऊपर से लगाते हुए और रबर को उल्टा करके लगाना है, बिल्कुल क्रॉस करके लगाना है ताकि वो बाल खुले नहीं और वो अच्छे से फिक्स हो जाए। आपको अगर मेकअप करना हो उसके 10 से 15 मिनट पहले अगर आप इस तरह से बाल को कर्ल करके रख दीजिएगा और उसके बाद मेकअप कीजिएगा तो 10 से 15 मिनट के बाद आपके बाल बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। पहले आधे बालों तक पहले कर्ल करके घुमा लें पेंसिल में, फिर उसे ऊपर घुमाते हुए ऊपर लेके जाइए और इस तरह से ऊपर से पेंसिल लगाते हुए उल्टा डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में बंद कर दे ताकि दोनों साइड से पैक हो जाए। तो सेम प्रोसीजर हम सेकेंड टाइम दोनों साइड भी करते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग 10 मिनट बाद ही निकाला है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे से एक लेयर कर्ल हो गया। मेरा बेटा जो है ना वो गलती से पेंसिल खींच गया है, तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से कर्ल हो गया है। और बाद बाकी कर्ल भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इधर साइड का मैं किया था तो इसको ही सबसे पहले निकालते हैं। निकालने के लिए धीरे धीरे क्या करें पेंसिल खींच लें और खींचने के बाद इसमें जो रबर बैंड है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं इसी तरह से आपको जितने बालों का भी कर्ल बनाना है आप कर्ल बना सकते हैं। तो मैं इधर साइड का भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। मस्त कर्ल बने हैं, बहुत ही अच्छा कर्ल बना है। सो एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कर्ल बना है। आपको कितने बालों का भी करना है आप इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से बालों को धीरे धीरे करके निकालिए। वाओ, सो नाइस, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से कर्ल हुआ है। आप ऊपर अगर बाउंसी यहाँ पे क्लिप लगा लीजिए या फिर आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं और आपको जैसे कि मैं दिखाती हूँ थोड़ा बाल पीछे का पूरा देखिए इतने खूबसूरत कर्ल बने हैं। अगर आप इस तरह से आप अगर मेकअप जैसे रेडी होने के लिए जा रही है ना तो मेकअप क्या करने के पहले क्या करें एक बार बाल का ये स्टाइल करके रख दीजिए और उसके 10 से 15 मिनट आपको मेकअप करने में लगेगा ही। 10-15 मिनट के बाद इसको फिर निकाल दीजिए तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कर्ल बन के रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जहां जाना है जिस फंक्शन में जाना है वहां जाइए। और मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है तो से हेलो
हेलो हेलो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि पेंसिल से कर्ल करने का कितना सिंपल तरीका और कितने अच्छे से ये कर्ल होता है। और इसी तरह से आप अपने पूरे बालों का भी कर्ल कर सकते हैं, जितना मन हो अपने बालों का कर्ल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और आपके बहुत ही फायदे का वीडियो होगा। और जब भी जाना होगा आपको कहीं पार्टी फंक्शन में, तुरंत ये इंस्टेंटली विद इन 10 से 15 मिनट्स आपके कर्ल बन के रेडी हो जाएंगे दोस्तों। तो मिलती हूँ ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कमेंट्स करके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।